Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक, मैं हूं रजत देवगन। आज भी भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली। लगातार चार ट्रेडिंग सत्र ऐसे हो गए हैं जब निफ्टी पे वन वे ट्रैक पे तेजी बन रही है, लेकिन क्या ये लेवल्स टिकाऊ हैं? क्या यहां से तेजी अभी और बढ़ेगी? ये बहुत अहम सवाल है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, शुरू से आखिरी तक आप ये वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन सबसे पहले आज की मार्केट, आज एक गैप अप ओपन हो गए, फिर से 76 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुला 24,648 के लेवल पे। उसके बाद एक डिप आया था 24,607 के लेवल्स तक, लेकिन फिर वहीं से हुई खरीदारी और गजब की खरीदारी थी। 24,734 आज के दिन का हाई लगाया है निफ्टी ने और क्लोजिंग आई है 24,698 के लेवल की। जाते जाते थोड़ा सा हल्का हो गया मार्केट, लेकिन फिर भी क्लोज टू क्लोज 126 पॉइंट्स के तगड़े गेंस निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक 434 पॉइंट्स का तगड़ा उछाल आज के सत्र में 50,803 के लेवल पे हुआ है बंद। एक बार निफ्टी आज के सत्र में 51,000 के लेवल के ऊपर चला गया था, लेकिन टिक नहीं पाया ऊपरी स्तरों पर। जाते जाते थोड़ा मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन फिर भी 50,803 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 80,802 के लेवल पे हुआ है बंद 378 अंकों के गेंस के साथ। 38 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, 12 शेयर्स गिर गए। सबसे तेज हुआ इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स में, जोरदार एक्शन देखने को मिला। निफ्टी पे जो टॉप गेनर हुआ वो था SBI लाइफ, 5.5% का तगड़ा उछाल। फिर HDFC लाइफ 3.5% चढ़ गया, बजाज फिनसर्व 3.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक इनकी सब्सिडियरी को RBI ने म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए मंजूरी दी है, 2.5% आज इंडसइंड बैंक उछला। श्रीराम फाइनेंस भी आज 2.25% उछला। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स का दबदबा था मार्केट में। निफ्टी लूजर्स में भारती एयरटेल, ONGC, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, डिफेंसिव मोड पे है ही नहीं मार्केट अभी। अभी चौके छक्के लगाने वाला मार्केट आज के सत्र में दिखाई दिया। FNO गेनर्स में बलरामपुर चीनी नजर आएगा आपको 7.5% ऊपर। फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स जैसे कि SBI लाइफ, RBL बैंक, HDFC लाइफ 3.5% से 5.5% ऊपर, और अपोलो टायर्स 3.5% ऊपर बंद हुआ। FNO लूजर्स में सन टीवी आज 3.5% गिरा है, UBL 2.5% नीचे, बिरला सॉफ्ट 1.5% नीचे, ONGC हिंद कॉपर 1.5% नीचे बंद हुए। मिड कैप्स की मार्केट है, और आज की मार्केट में भी तगड़ी चाल मिड कैप स्टॉक्स ने पकड़ी हुई थी, जिसमें सबसे तेज चले ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स। एंजल वन उसमें आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से, आज भी 15% से ज्यादा का उछाल। वैभव ग्लोबल एक और स्टॉक जहां पर 12.5% के गेंस मिले। गॉडफ्रे फिलिप्स ये पिछले कुछ दिनों से बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, आज भी 11% चढ़ा है। ऑल कार्गो 9.5% चढ़ा। एवलॉन 9% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। ऑथम इन्वेस्टमेंट 9.5% चढ़ा है। GHCL 8.5% चढ़ा। IOL केमिकल 8.5% ऊपर। KEI इंडस्ट्रीज 8% चढ़ा। पूनावाला 8% ऊपर। टॉरेंट पार 7.5% ऊपर, और विजया डायग्नोस्टिक 7.5% चढ़ा। तो मिड कैप्स में भी आप देखिए अलग अलग क्षेत्रों से कंपनी आउट परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वैल्यू गेम हो रहा है, वैल्यू कैचअप हो रहा है। जहां पर बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स थे, उन स्टॉक्स में अब रफ्तार जो है वो ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। गिरने वाले भी हैं मिड कैप लूजर्स में। ग्रेविटा 10% से ज्यादा टूटा है। आज शिपिंग स्टॉक्स में बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली हो गई। शिप बिल्डिंग कंपनियों में मैसडॉक, GRSC 7.5% से 9% टूट गए। फिर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आज आया प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, अपने ऑल टाइम हाई लेवल से तो आज 12% से ज्यादा टूटा है, लेकिन क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 5.5% टूटा है। FSL 5% नीचे बंद हुआ। EMIL 4% टूटा है, और कोचे शिपयार्ड 4% नीचे बंद हुआ। तगड़ी खरीदारी लगी हुई थी ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स में, जिसमें एंजल वन 15% ज्यादा उछला। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 7% चढ़ गया। ICICI सिक्योरिटीज 7.5% ऊपर, और शेयर इंडिया 6% चढ़ गया। इंश्योरेंस स्टॉक्स का दिन था, आज खरीदारी हुई है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में, जिसमें SBI लाइफ 5.5% ऊपर। ICICI प्रू इस स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली, 4.25% चढ़ गया। HDFC लाइफ 3.5% चढ़ा है, और एक और स्टॉक बजाज फिनसर्व 3.5% उछला। फिर फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही थी, जिसमें PFC 3% चढ़ा है। चोला फाइनेंस आज 2.5% चढ़ा। ICICI जनरल इंश्योरेंस 2.5% ऊपर। REC लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, HDFC, AMC जैसे स्टॉक्स में 2% से 2.5% के गेंस आए। प्राइवेट बैंक्स में आज खरीदारी दिखाई दी। RBL बैंक 5% ऊपर, इंडसइंड बैंक 2.5% चढ़ा, सिटी यूनियन बैंक 2.5% ऊपर, बंधन बैंक, IDFC, फर्स्ट बैंक, यहां पर भी अच्छे गेंस आए। दिग्गज बैंकिंग में आज कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली। PSU बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आज नंबर आया यूनियन बैंक का 4.5% चढ़ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% ऊपर। PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक में 1.25% से 2% के गेंस आए। IT तो कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है, अब यहां थोड़े स्ट्रेच नजर आ रहे हैं स्टॉक्स, लेकिन आज भी चढ़े हैं, जिसमें टेक महिंद्रा 2% ऊपर, LTTS 2% ऊपर, परसिस्टेंट 1% ऊपर, एम्फेसिस, विप्रो, कोफोर जैसे स्टॉक्स में तेजी आई।
फार्मा क्षेत्र में इप्का लैब्स सबसे तेज चला है 2.5%, ग्रैन्यूल्स ल्यूपिन 1% से 2.25% चढ़ गए, फिर डिविस लैब्स, सन फार्मा, लाल पाथ लैब्स, अरविंदो फार्मा 0.5% से 1% के आसपास का गेन दिखा रहे थे। ऑटोज में अपोलो टायर 3.5% चढ़ा है, मदरसन 0.2% चढ़ा, आयशर मोटर्स, बॉश, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस जैसे स्टॉक्स में आज हरे निशान की क्लोजिंग आती हुई नजर आई। सरस्वती सारी डिपो की अच्छी लिस्टिंग होती हुई नजर आई, इशू प्राइस था 160, उसके मुकाबले 194 पर लिस्ट हो गया, यानी कि 21% के प्रीमियम के साथ, और क्लोजिंग आई है 203.7, यानी कि 27% के आसपास के गेन्स लिस्टिंग डे वाले दिन इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं, तो अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी। इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ 21 अगस्त यानी कि कल तक खुला रहेगा, अब तक 10.93 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, प्राइस बैंड 850 से 900 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है, 600.29 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। अब आगे क्या होगा, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले बुल्स ने एक अटेम्प्ट तो किया है आज तेजी बनाने का, बैंक निफ्टी भी 51,000 के लेवल पर पहुंच गया था लेकिन टिक नहीं पाया, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हो गई, पर यह मार्केट तेज ही है, ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। आज निफ्टी ने 24,734 का अहम पड़ाव टच कर लिया, कह सकते हैं कि एक टारगेट तो लग गया, जो बहुत बीटन डाउन हो गए थे, ओवरसोल्ड हो गए थे ना, वहां से खिंचते खिंचते आए हो आप और 24,734 के लेवल को दस्तक दे दी है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा है कि बुल्स अपनी पकड़ को मजबूत ही रखेंगे। चार ट्रेडिंग सत्रों से मार्केट में वन वे स्ट्रेच ऊपर ही है, निफ्टी पॉजिटिव ही चलता चला जा रहा है, लेकिन मौजूदा स्तरों पे अगर कंसोलिडेट हो गए तब भी बेहतर। देखिए मूव तो असली और खेल असली तब शुरू होगा जब ये 24,750 और 24,850 की रेंज के ऊपर टॉप के उसके ऊपर टिक जाओ आप, लेकिन अभी जिन लेवल्स पे हम हैं वहां पर बियर्स चुनौती देंगे और जब नीचे जाएंगे तो बुल्स अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 24,600, 24,550 ये लेवल्स इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे बुल्स, ऐसा लग रहा है जब जब इन लेवल्स के पास आओगे तब तब खरीदारी होती हुई नजर आएगी, और ऊपर 24,750, 24,800, 24,850 इन लेवल्स के आसपास बाजार को रेजिस्टेंस मिलेगी, तो कड़ी टक्कर तो होने वाली है, लेकिन अभी बाजी बुल्स के हाथ में है, बुल ग्रिप में है मार्केट, और इसीलिए आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टॉक्स अचानक से ही चढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसा बुल मार्केट में ही होता है कि आपको 10-10, 13-13% स्टॉक्स एक ही दिन में ऊपर दिखाई दें। आप याद करिए पिछले कुछ दिनों पहले जब एकदम से हड़कंप मचा हुआ था और नेगेटिव खबरें आ रही थी तो कितनी बुरी तरह पिटाई हो रही थी स्टॉक्स की, और अब बिल्कुल उसके विपरीत मार्केट देखने को मिल रही है। स्क्रीन बता रही है कि खरीदारी लगी हुई है, काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच इस समय ट्रेडर्स की है, तो एक खरीदारी वाली मार्केट है, इसमें डिप्स में ऐड करने के बारे में ही सोचें, लेकिन फिलहाल अगर कंसोलिडेट भी हो जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट गिरावट में खरीदारी करेंगे सपोर्ट जोन्स के आसपास, वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स भी हैं खासतौर से अमेरिका में। कल FOMC की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे, और उसके बाद इस हफ्ते US में जैक्सन होल सिंपोजियम भी है, एक बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, और जेरोम पॉवेल की जो स्पीच होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हम बार बार ही बोल रहे हैं। हालांकि US में ब्याज दरों के घटने का सिलसिला सितंबर से शुरू हो सकता है, बाजार में ऐसी अटकलें हैं और ये लगभग 100% प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर ऑनवर्ड्स रेट कट होगा, और इसलिए आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, मेटल्स, IT, इन स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी जो है वो शुरू हुई है। तो अभी बाजार में तेजी का ही मूड माहौल रहेगा, आज एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को छू लिया, अब बाजार यहां पर कंसोलिडेट करेगा, और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे फोकस होगा, डोमिनेट करेंगे ऑप्शन राइटर्स। तो अगर आप तेज खुल गए तो मोटी पोजिशन ना बनाए, सपोर्ट जोन्स के आसपास ही खरीदने की कोशिश करें। मिस्टेक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, मिस्टेक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।